दो व्यक्तियों की आय का अनुपात, दो व्यक्ति है, कितने आदमी है, दो आदमी है, और दो आदमी, एक आदमी हो गया जे और एक आदमी हो गया जे, ये हो गए आपके दो आदमी। दो आदमियों की आय का अनुपात, आय का मतलब होता है महीने की कमाई, है ना। एक आदमी की इनकम, इनकम मतलब कितने रुपए कमाता है। अगर एक आदमी एक महीने में 9 रुपए कमाता है तो दूसरा आदमी 7 रुपए कमाता है, मतलब दोनों की इनकम का अनुपात कितना है, 9:7। एक आदमी 9 रुपए कमाता है तो दूसरा आदमी यहां पर 7 रुपए कमाता है, तो दो आदमी की इनकम का अनुपात है 9:7, ठीक। और उनके खर्चों का अनुपात, इतना तो वो कमा रहा है, अब खर्च कितना कर रहा है, खर्च की बात करेंगे। उनके खर्चे का अनुपात 4:3 है, यानी कि अगर पहला आदमी 4 रुपए खर्च कर रहा है तो दूसरा आदमी 3 रुपए खर्च कर रहा है। इसके बाद प्रत्येक व्यक्ति प्रति माह, अब दोनों के दोनों आदमी, पहला आदमी जो 9 रुपए कमा रहा है और 4 रुपए खर्च कर रहा है ना, है ना, वो आदमी भी महीने के 2,000 रुपए बचा लेता है, और दूसरा आदमी वो भी 2,000 रुपये बचा लेता है। दोनों तो सेविंग्स से बराबर कर रहा है, पहला आदमी भी 2,000 रुपये बचा ले रहा है, दूसरा आदमी भी महीने का 2,000 रुपये बचा ले रहा है। तो उनकी मासिक आय कितनी है, वो कितना रुपए कमाते हैं, आप लोगों को ये ज्ञात करके लेकर के आना है। तो गणित के सवाल बहुत आसान होते हैं, गणित में जब कभी भी आपको अनुपात दिखे, आप देख रहे हो यहां पर ये अनुपात आया है और यहां पर भी आप पे अनुपात आया है, आपको गणित में जहां कहीं भी अनुपात दिखे उसको एक्स और वाई के रूप में हम मान लेते हैं। तो यहां पर किसका अनुपात है, आय का अनुपात, पहला आदमी की आय तो हम मान लेंगे, माना पहले व्यक्ति की आय 9x रुपए है, माना पहले व्यक्ति की आय 9x रुपए है और दूसरे व्यक्ति की आय 7x रुपए है, एक्स जोड़ देंगे हम इनकम में। माना पहला व्यक्ति की आय 9x रुपए है और दूसरे व्यक्ति की आय यहां पर आपकी कितनी है, 7x रुपए है। इसके बाद यहां पर खर्च की बात हो रही है तो यहां पर हम लिख लेंगे, माना पहले आदमी का खर्च 4y है, अगर आप आय में एक्स एक्स लगा रहे हो तो खर्च में हम वाई वाई लगा देंगे। माना पहला आदमी का खर्च 4y रुपए है और दूसरे आदमी का खर्च 3y रुपए है, क्लियर है, ठीक। तो ये हो गई आपकी आय, पहले आदमी की आय कितनी मान लिए 9x रुपए और दूसरे आदमी की आय 7x रुपए है। तो यहां पर हम डालेंगे हल, और बच्चों यहां पर हल डालकर यहां पर हम क्या लिखेंगे, यहां पर हम लिखेंगे, माना पहले व्यक्ति, माना पहले व्यक्ति की आय, माना पहले व्यक्ति की आय 9x रुपए, आय कितनी है 9x रुपए है, रूप 9x रुपए है, इसकी आय तो 9x रुपए पहले व्यक्ति को, और खर्चा कितना कर रहा है 4, तो खर्च में हम 2 जोड़ देंगे, तथा खर्च, पहले व्यक्ति का खर्च कितना है 4y रुपए है, तथा पहले व्यक्ति का खर्च, तथा पहले व्यक्ति, तथा पहले व्यक्ति का खर्च, तथा पहले व्यक्ति का खर्च कितना है यहाँ पर आपका 4y रुपए है। पहले आदमी की इनकम 9x रुपए है और उसका खर्चा कितना है 4y रुपए, क्लियर। इसी प्रकार दूसरे आदमी का, दूसरे आदमी की आय कितनी है 7, आय में x जोड़ना है तो दूसरे आदमी की आय हो गई 7x रुपए। तो यहां पर हम लिखेंगे, तथा दूसरे व्यक्ति की आय, दूसरे व्यक्ति की इनकम कितनी है 7x रुपए, दूसरे व्यक्ति की आय 7x रुपए है, दूसरा आदमी 7x रुपए कमा रहा है और खर्च कितना कर रहा है 3, दूसरा आदमी 3, खर्च में जोड़ना है वाई, तथा खर्च, खर्च कितना है 3y रुपए है, तथा खर्च कितना है यहाँ पर इसका 3y रुपए है, खर्चा कितने रुपए कर रहा है, वो खर्च कर रहा है बच्चों यहाँ पर 3y रुपए, ठीक। इतने यहां पर आप जमा दिए, अब हर एक आदमी 2,000 रुपए बचा रहा है। अब मान चलो जो पहला आदमी है, ये जमाना बहुत आसान है, प्रश्न अनुसार आप जानी देखिए, मान लीजिए पहले आदमी ने एक महीने में कितने रुपए कमाया, तो पहले आदमी ने एक महीने में 9x रुपए कमाया, कितने कमाया 9x रुपए कमाया, पहले आदमी ने महीने में 9x रुपए कमाया, कमा लिया, मान चलो मैंने कितने रुपए कमाया,
मैंने, कोई भी आदमी या फिर तुमने, तुम्हारे पापा ने, किसी ने भी 900 रुपये कमा लिए, कमा लिए, कमाए, पैसा कमा लिए, कमाने के बाद खर्च कितना करें? उस पहले आदमी ने खर्चा कितने रुपए कर दिया? खर्च कर दिए 4000 रुपये, खर्च कर दिए 4000 रुपये, इतना रुपए कमाया, उसमें से उसने 4000 रुपये खर्च कर दिया, खर्च कर दिया। मैं मान चलो कि मैंने 20 रुपये कमाया और 5 रुपये खर्च कर दिया, तो कितने रुपए बचे? 20 में से 5 गए, 15 रुपये बचे। उसी प्रकार पहले आदमी ने 900 रुपये कमाया और 4000 रुपये खर्च कर दिया, तो घटा दी, खर्च कर दिया, तो कितने रुपए बचाया? और बचाया कितने रुपए उसने? उसने बचाया प्रति माह 2000 रुपये बचाया। कितने रुपए बचाया? 2000 रुपये बचाया। ये आपका सिंपल सा फंडा है, सिंपल सा आपका लॉजिक है। आपको सिर्फ इतना यहाँ पर दिमाग लगाना है। पहले आदमी ने यहाँ पर 900 रुपये कमाया, 900 रुपये कमाने के बाद 900 रुपये में से 4000 रुपये उसने खर्च कर दिया, मतलब इतने में से इतना अपन घटा देंगे। मैंने 20 रुपये कमाया, 5 रुपये खर्च कर दिए, 20 में से 5 गए, 15 रुपये बचे। तो उसी प्रकार पहले आदमी 900 रुपये कमाया, 4000 रुपये खर्च कर दिए, मतलब 900 में 4000 यहाँ पर हम घटा देंगे, तो कितने रुपये बचाया उसने? उसने बचाया 2000 रुपये। ये बन गया आपका पहला समीकरण। इसको हम देंगे बच्चों समीकरण एक नाम। इसके बाद इसी प्रकार दूसरे आदमी ने कितने रुपये कमाया? दूसरे आदमी ने 7100 रुपये कमाया। कितने रुपये कमाया? दूसरे आदमी ने 7100 रुपये कमाया। दूसरे आदमी ने 7100 रुपये कमाया और कितने रुपए खर्च कर दिया? उसने 3000 रुपये खर्च कर दिए। कितने रुपए खर्च कर दिए? 3000। उसने 3000 रुपये खर्च कर दिया, तो मतलब माइनस, तो कितने रुपए बचे? मतलब माइनस। उसने दोनों 2000 रुपये बचा रहा, इसने भी कितने रुपए बचा लिया? 2000 रुपये इसने भी बचा लिया, बचा लिया। इसको हमने समीकरण दो नाम दे दिए। क्या नाम दे दिए? समीकरण दो। इसको हमने नाम दे दिए। अब यहाँ पर ये बन गया आपका पहला समीकरण और ये बन गया दूसरा समीकरण। ठीक, ये समीकरण तो बनाते आपको आना चाहिए, बिल्कुल सिंपल सा बेसिक सा फंडा है 6वीं 7वीं 8वीं क्लास का। अब 10वीं क्लास की विधि यहाँ पर शुरू होती है। इसके पहले मैंने आप लोग को प्रतिस्थापन विधि पूरी पढ़ा चुका हूँ। इन दोनों समीकरणों को अगर आप प्रतिस्थापन विधि से हल करोगे तो भी उसका आंसर सही आएगा, है ना। लेकिन इस सवाल को अब मैं आपको ये विलोपन विधि सिखाने जा रहा हूँ और ये विलोपन विधि सीखने का पहला वीडियो है। अब हाथ बांध करके बैठ जाओ पूरे फोकस के साथ, क्योंकि अब जो मैं आपको विधि बताने वाला हूँ उसको बारीकी से बिल्कुल सुनना है। ये विधि अगर आप सीख गए तो पेपर में ये विधि का सवाल जरूर पूछा जाता है। आपको बस मेथड याद रखना है, बाकी समीकरण में यहाँ पर संख्याएं कुछ भी हो सकती है, यहाँ 5000 6000 कुछ भी हो, संख्या से आपको लेना देना बिल्कुल भी नहीं है, आपको सिर्फ विधि याद रखना है। तो विधि का पहला नियम, यहां पर x का गुणांक 9 है और यहां पर x का गुणांक 7 है, तो कभी भी ये गुणांक अलग अलग नहीं होना चाहिए। अगर यहां पर 9 है तो यहां पर भी 9 ही होना चाहिए, या फिर यहां पर 7 है तो यहां पर भी 7 होना चाहिए। तो यहां पर x का गुणांक 9 है और यहां पर x का गुणांक 7 है, तो इन दोनों गुणांकों को हम बराबर कर सकते हैं। या तो आप एक्स एक्स के गुणांक बराबर कर लो, या फिर आप बाय बाय के गुणांक बराबर कर लो। यहां पर बाय का गुणांक 4 है और यहां पर बाय का गुणांक 3 है, या फिर आप इन दोनों को बराबर कर लो। तो किसको बराबर करना है? बाय को बराबर करना है कि एक्स को बराबर करना है? एक्स के गुणांक बराबर करेंगे तो भी आंसर सही आएगा, बाय के करेंगे तो भी आंसर सही आएगा। यहां पर मैं बाय का गुणांक बराबर करता हूं। ठीक, बाय का गुणांक बराबर करने का बहुत सरल नियम है। नीचे वाले समीकरण में, नीचे वाले समीकरण में बाय का गुणांक कितना है? 3। यहां पर अगर बाय का गुणांक 3 है तो 3 का गुणा समीकरण 1 में कर दो। नीचे वाले का गुणा ऊपर वाले समीकरण में कर दो, और यहां पर y का गुणांक 4 है, यहां पर y का गुणांक 4 है, तो 4 का गुणा समीकरण 2 में कर दो, ऊपर वाले का गुणा नीचे वाले समीकरण में कर दो, आपके गुणांक बराबर हो जाएंगे। ठीक, करूं? यहां नीचे 3 है तो 3 का गुणा समीकरण 1 में करने पर और 4 का गुणा समीकरण 2 में करने पर
सिंपल लिख देना यहां पर, तीन का गुणा, तीन का गुणा नीचे तीन है तो नीचे वाले गुणा ऊपर वाले के साथ, तीन गुणा समीकरण एक में और ऊपर चार है, चार का गुणा समीकरण दो में करने पर, चार का गुणा समीकरण दो में, समीकरण दो में करने पर, समीकरण दो में करने पर चार का गुणा समीकरण दो में कर देंगे और तीन का गुणा समीकरण एक में कर देंगे, बस उसके अलावा कुछ नहीं करना। ठीक, तो तीन का गुणा समीकरण एक में करना है, मतलब पूरे समीकरण में करना है, मतलब तीन का गुणा इससे भी होगा, तीन का गुणा इससे भी होगा, तीन का गुणा इससे भी होगा, और चार का गुणा हम समीकरण दो में कर रहे हैं, मतलब चार का गुणा इससे भी होगा, चार का गुणा इससे भी होगा, चार का गुणा इससे भी होगा। ठीक, तो तीन का गुणा हम समीकरण एक में करता हूं, तो तीन का मल्टीप्लाई इससे होगा, तो तीन गुणित नौ, तीन नौ सत्ताईस, एक्स का हो गया एक्स, माइनस का माइनस। अब तीन का गुणा चार से कर दो, तीन चौ बारह, बाय का हो गया बाय, चिन्ह का मल्टीप्लाई नहीं करना है, सिर्फ संख्या का करना है ना, बराबर का हो गया बराबर। अब तीन का मल्टीप्लाई दो हजार से कर दो, तो तीन दूनी छः, तीन जीरो के तीन जीरो, ठीक है ना, ये हो गया। अब चार का गुणा समीकरण दो से करना है, तो चार का गुणा इससे भी हो जाएगा, चार का मल्टीप्लाई इससे भी होगा, चार का मल्टीप्लाई इससे भी होगा, तो चर सत्ता अट्ठाईस, एक्स का एक्स, एक्स का एक्स, माइनस का माइनस, चार का मल्टीप्लाई तीन से करो, तो चार तिया बारह, बाय का हो गया बाय, बराबर का बराबर, और चार दुनी आठ, तीन जीरो को हो गया यहाँ पर आपके तीन जीरो। ठीक, यहां पर भी बाय का गुणांक 12 आ गया और यहां पर भी बाय का गुणांक 12 आ गया 12 12 गुणांक, यही तो गुणांक बराबर करना था, और गुणांक बराबर करने का नियम क्या है, नीचे वाले गुणा ऊपर वाले समीकरण से और ऊपर वाली संख्या गुणा नीचे वाले समीकरण से करना है। ठीक, अब मुझे आप लोग यहां पर एक चीज बताओ, अब हम पढ़ रहे हैं यहां पर विलोपन विधि, तो हमको बाय वाला पद विलोपित करना है, अगर 12, लेकिन यहां पर 12 वाय भी ऋण का है और 12 वाय यहां पर भी ऋण का है, तो ये विलोपित होगा क्या, नहीं होगा। तो ये 12, क्योंकि ऋण ऋण वाली संख्या जुड़ती ऋण का चिन्ह आता है, तो 12 वाय और 12 वाय तो यहां पर 24 वाय हो जाएगा, तो वाय का विलोपन कैसे होगा, अगर मैं ऊपर वाले 12 वाय में से नीचे वाले 12 वाय को घटा दूं, यहां पर भी ऋण का चिन्ह है, यहां पर भी ऋण का चिन्ह है, बारीकी घुसो अंदर घुसो, यहां भी ऋण का चिन्ह, यहां भी ऋण का चिन्ह है, अगर मैं ऊपर वाले 12 वाय में से नीचे वाले 12 वाय को घटा दूं, आप सिर्फ इतना याद रखिए, अगर यहां पर चिन्ह समान है, अगर यहां पर भी ऋण वाला है, यहां पर भी ऋण वाला है, अगर चिन्ह समान है तो घटाना है, अगर यहां पर भी धन वाला होता और यहां पर भी धन वाला होता तो भी चिन्ह समान होते तो भी आप घटाते, अगर चिन्ह समान है तो घटाना है, क्या बोला मैंने, याद कर लो, चिन्ह समान है तो घटाना है, यहां पर भी ऋण, यहां पर भी ऋण, चिन्ह समान है तो यहां पर हम घटाएंगे। अब क्यों घटाएंगे, क्योंकि अगर मैं यहां पर घटाऊंगा है ना, यहां पर भी चिन्ह ऋण का, यहां पर भी चिन्ह ऋण का है ना, तो हम इसको घटा देंगे, तो देखिए बच्चों यहां पर हम लिख लेंगे घटाने पर, घटाने पर, ठीक, इसको हम यहां पर घटा देते हैं, उसको हम लास्ट में भी लिख सकते हैं ना, घटा देता हूं ना, क्या कर रहे हैं यहां पर हम, घटाने पर, घटाने पर, घटाने पर है ना, घटा रहा हूं मैं यहां पर, घटाने पर जब कभी भी आप घटाओगे तो चिन्ह उलट जाते हैं,
यहां पर धन का चिन्ह कोई चिन्ह नहीं है, मतलब धन का चिन्ह है, जिसके सामने कोई चिन्ह नहीं है मतलब धन का चिन्ह है, तो धन वाला हो जाएगा ऋण का। यहां पर ऋण का चिन्ह है तो हम घटाएंगे तो ऋण गुणित ऋण धन हो जाएगा, घटाने पर चिन्ह पलट देना है तो ऋण वाला हो जाएगा आपका धन का, और यहां पर कोई चिन्ह नहीं मतलब धन का चिन्ह, तो धन वाला हो जाएगा आपका ऋण का। घटाने पर चिन्ह पलट जाते हैं, जोड़ने पर चिन्ह जो के तो ही रहेंगे लेकिन घटाने पर चिन्ह उलट जाएंगे, धन वाला ऋण का, ऋण वाला धन का और धन वाला ऋण का। इस प्रकार यहाँ पर चिन्ह जो होते हैं वो पूरे के होते हैं बच्चों, यहाँ पर पलट जाते हैं। अब चिन्ह यहाँ पर हमने पलटा चुके हैं घटाने के माध्यम से, है ना। अब यहाँ पर 12y हो गया ऋण का और यहाँ पर 12y हो गया धन का, तो जब धन के 12y में से ऋण का 12y कट जाएगा और घट करके जीरो हो जाएगा और y यहाँ पर आपका विलुप्त तो हो जाएगा, इसी को बोलते हैं विलोपन विधि। देखिए घटा रहा हूँ मैं सिंपल, 28x ऋण का 27x धन का, एक संख्या ऋण वाली एक संख्या धन वाली, जब एक संख्या ऋण वाली होती है और एक संख्या धन वाली होती है तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाते हैं और बड़ी संख्या के सामने का चिन्ह लगाते हैं, तो 28x में 27x गए, 28 लड़के में 27 लड़के चले गए तो एक लड़का बचेगा, वैसे 28x में से 27x गए तो यहाँ पर आपका 1x बचेगा, और बड़ी संख्या 28 है, बड़ी संख्या के सामने ऋण लगा तो यहाँ पर भी आपका ऋण लग जाएगा, बड़ी संख्या के सामने का यहाँ पर हम चिन्ह लगा देते हैं। अब 12y ऋण का है और 12y धन का है, जब एक संख्या धन वाली और एक संख्या ऋण वाली तो ये घट के जीरो हो जाती है, हो गया बाय विलुप्त, एक्स का मान निकल जाएगा, बराबर का हो गया यहाँ पर आपका बराबर, एक संख्या धन वाली एक संख्या ऋण वाली तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या घट जाएगी, 8000 में से 6000 गए, कितना बचेगा यहाँ पर आपका 2000 बचेगा, और बड़ी संख्या 8000 है, बड़ी संख्या सामने ऋण लगा है तो यहाँ पर भी आपका ऋण लग जाएगा, बस इतना सा है। ये आ गया यहाँ पर आपका एक्स का मान, एक्स का मान कितना आ गया यहाँ पर आपका देख सकते हो आप लोग, एक्स का मान कितना, देखो अब बराबर किस तरफ भी ऋण, बराबर किस तरफ भी ऋण, तो ऋण से ऋण यहाँ पर आपका कट गया, तो एक्स का मान कितना आ गया, इसके आगे करेंगे ना, तो देखिए बच्चों एक्स बराबर आ गया 2000, एक्स बराबर आ गया यहाँ पर आपका 2000, ये निकल गया बच्चों यहाँ पर हमारा एक्स का मान, ये निकल गया यहाँ पर हमारी एक्स की वैल्यू, निकल गई एक्स की वैल्यू, इतना सा है। अब बाय का मान निकालना है, बाय का मान निकालना बहुत आसान है, एक्स के मान को समीकरण एक में रख दोगे तो भी बाय का मान निकल जाएगा और एक्स के मान को समीकरण दो में रख दोगे तो भी बाय का मान निकल जाएगा, तो मैं एक्स के मान को समीकरण दो में रखता हूँ, ठीक, तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक्स का मान, एक्स का मान समीकरण दो में रखने पर, एक्स का मान कहाँ रखने पर, समीकरण दो में रखने पर, एक्स के मान को हम समीकरण दो में रख देते हैं, ठीक, रखूँ यहाँ पर मान, एक्स के मान को हम कहाँ रख देंगे, समीकरण दो में रख देते हैं, तो चलिए बच्चों हम एक्स के मान को समीकरण दो में रख के देखते हैं ना, 7 का हो गया 7, ये एक्स है, एक्स का मान है 2000, एक्स का मान कितना है, एक्स का मान है 2000, एक्स का मान यहाँ पर हम कितना रख देंगे 2000 रख देंगे, माइनस का माइनस, 3y का हो गया 3y, बराबर का बराबर, 2000 का हो गया यहाँ पर आपका 2000, ये रख दिया यहाँ पर हमने मान, कितना रख दिया यहाँ पर हमने मान, यहाँ पर हमने रख दिया मान, क्लियर है, ये समीकरण दो है, एक्स का मान समीकरण दो में रखने पर, है ना, तो पहले समीकरण दो को ना आप जैसे का वैसे उतार लो, समीकरण दो आपका 7x है, ये हो गया यहाँ पर आप कितना 7x, पहले स्टेप में आपको उतारना बस है, समीकरण दो यहाँ पर आपने उतार लिया, अब रखेंगे मान, है ना, ये समीकरण दो यहाँ पर हमने उतार लिए, अब मान रख देंगे 7 का हो गया 7, एक्स का मान कितना है, एक्स का मान है 2000, तो एक्स का मान यहाँ पर रख देता हूँ मैं कितना 2000, ये रख दिया, माइनस का माइनस, 3y का हो गया 3y, बराबर का बराबर, और 2000 का हो गया यहाँ पर आपका 2000, अब गुणा कर दो 7 का मल्टीप्लाई 2000, 7 × 2 = 14, 1 × 2 = 0 के हो गए यहाँ पर आपके 3 0, माइनस 3y का हो गया यहाँ पर आपका माइनस 3y, बराबर का बराबर,
और 2000 का हो गया यहाँ पर आपका 2000। अब 14000 का हो गया यहाँ पर आपका 14000। बराबर किस तरफ 2000 धन का है उसको इस तरफ लेकर के आएंगे तो 2000 हो जाएगा आपका ऋण का, बराबर का बराबर। बराबर किस तरफ तीन बार ऋण का है उस तरफ जाएगा तो तीन बार हो जाएगा आपका धन का। अब 14000 में से 2000 को घटाओ तो 14 में से 2 गए 12000 बचेंगे। बराबर तीन बाय का हो गया यहाँ पर आपका तीन बाय। अब बराबर किस तरफ तीन बाय के गुणे में, पक्षांतर करेंगे तो बट्टे में जाएगा तो 12000 का हो गया यहाँ पर आपका 12000। बराबर किस तरफ तीन गुणे में, पक्षांतर करें बटे में आ गया बराबर, बाय का हो गया वाय, काट दो। तीन एकम तीन, तीन चौ बारह, एक जीरो दो जीरो तीन जीरो, एक जीरो दो जीरो तीन जीरो, तो बाय बराबर आ गया आपका 4000। बाय का मान कितना आ गया, बाय का मान आ गया यहाँ पर आपका 4000। ये हो गया यहाँ पर आपका बाय का मान, तीन चौ बारह, तीन सौ नौ शून्य, तीन सौ नौ शून्य, तीन सौ नौ शून्य, 4000। बाय बराबर आ गया यहाँ पर आपका 4000। ठीक, अब ज्ञात क्या करना है हमको, यहाँ पर मासिक आय ज्ञात करना है, चुटकियों में निकलेगा आंसर। तो पहले व्यक्ति की मासिक आय देखो, पहले व्यक्ति की मासिक आय, पहले व्यक्ति की मासिक आय, पहले व्यक्ति की मासिक आय हमने 9x माने थे, याद करो सवाल में लिखा था कितनी माने थे 9x, तो बराबर 9 का हो गया 9 गुणा x का मान कितना है, x का मान है 2000, तो x का मान यहाँ पर रख देता हूँ मैं कितना 2000, करो मल्टीप्लाई 9 दुनी 18, 3 जीरो का 3 जीरो, तो पहले व्यक्ति की इनकम हो जाएगी आपकी 18000 रुपये, ये होगी आपकी पहले व्यक्ति की इनकम। और दूसरे व्यक्ति की मासिक आय हमने 4x माने थे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे दूसरे व्यक्ति की मासिक आय, दूसरे व्यक्ति, दूसरे व्यक्ति की मासिक आय, दूसरे व्यक्ति की मासिक आय कितनी माने थे हमने यहाँ पर, दूसरे व्यक्ति की मासिक आय हमने माने थे 4x, दूसरे व्यक्ति की मासिक आय हमने माने थे बच्चों यहाँ पर 4x, कितनी माने थे यहाँ पर हमने 4x, रख दो मान यहाँ पर लिख देता हूँ मैं बराबर का बराबर, 4 का हो गया 4 गुणा एक्स का मान कितना है, एक्स का मान है 2000, तो एक्स का मान यहाँ पर हम रख देते कितना 2000, तो 4 दूनी 8, 3 जीरो का हो गया यहाँ पर आपके, सॉरी पहले व्यक्ति की मासिक आय 9x थी और दूसरे व्यक्ति की मासिक आय 7x थी, सॉरी कितनी थी यहाँ पर 7x, गलती से 4 लिख दिया मैंने, दूसरे व्यक्ति पहले व्यक्ति की मासिक आय 9x, दूसरे कितनी थी यहाँ पर आपकी 7x थी, तो यहाँ पर हम रख देंगे कितना 7 और x का मान 2000, तो 7 दून जाएगा यहाँ पर आपका 14000 रुपये। तो दूसरे व्यक्ति की मासिक आय कितनी है, 14000 रुपये है, और यही है आपका यहाँ पर आंसर। उम्मीद करता हूँ सवाल आपको समझ में आया होगा, सवाल समझ में नहीं आया तो उस वीडियो को फिर से एक बार देख लेना, जितने ज़्यादा बार देखोगे उतने तुम्हारे कन्फ्यूजन, उतने तुम्हारे डाउट्स वहाँ से मिटते जाएंगे। और उस सवाल को तुरंत अभी फेयर कापी में उतारना और तीन बार प्रैक्टिस करना, दो बार देख के करना और एक दो बार बिन देख करना, तब जाकर के विधि बिल्कुल कंठस्थ होगी। नहीं तो समझ लिए और करके नहीं देखोगे दो तीन दिन बाद भूल जाओगे, फिर यूट्यूब पर सर्च करोगे दूसरों लोग के वीडियो, तो चुथियापा करना बंद करो और यहाँ पर जो मैंने समझाया उसको अब भी नोट करो, ठीक कापी में लिख के नोट करना, स्क्रीन शॉट के भरोसे बिल्कुल मत रहना तो फेल हो जाओगे, पहले बोल दे रहा हूँ। मैं से पढ़ रहा तो बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ने को होना, प्रॉपर कापी में लिखो, तो मेरे वीडियो बिल्कुल मत देखो, भले 5 लोग पढ़े लेकिन ऐसे बंदे चाहिए जो मेहनत करे। गणित में 100 में से 100 नंबर दिलवाना है मुझे इस बार। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।